नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पावर ट्रांसफार्मर के ऑयल का BDV टेस्ट के बारे में। पावर ट्रांसफार्मर का BDV टेस्ट यानी कि ऑयल का ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट हमें ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ऑयल की प्राइमरी हेल्थ के बारे में बताती है। ऑयल की प्राइमरी हेल्थ यानी ऑयल में मौजूद मॉइस्चर कंटेंट, कंडक्टिव सब स्टेंसेज यदि प्रेजेंट है तो उनकी प्रेजेंस के बारे में BDV टेस्ट से पता करते हैं। इसका टेस्टिंग किस तरह से करते हैं आप ये देख रहे हैं। ये एक पोर्ट है, पोर्ट के अंदर ये दो इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड के बीच में हम 2.5 mm का गैप मेंटेन करते हैं। इसके लिए एक गेज दिया हुआ है। गेज में दो तरह से मार्किंग होती है, एक पर लिखा होता है गो और एक पर लिखा होता है नो। गो में 2.5 mm गेज का जो गेज होता है वो गो कहलाता है। उसको हम दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डाल के चेक करेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का गैप ये आसानी से अंदर जा रहा है। फिर इसमें इस गैप से ज़्यादा वैल्यू तो नहीं है, इसके लिए हम नो वाला जो साइड है गेज का वो डाल के देखेंगे। हम देख रहे हैं कि यह 2.6 वाला अंदर नहीं जा रहा, मतलब इससे यह 2.5 mm दोनों इलेक्ट्रोड का हमने गैप मेंटेन कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें जिस भी ऑयल का टेस्टिंग करना है वो ऑयल को जब तक ये इलेक्ट्रोड दोनों डूब नहीं जाए उतना इसको भर के रखते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को ऑयल में जिस ऑयल का BDV टेस्ट करना है उसके अंदर डुबो दिया गया है। अब इस ऑयल पॉट को हम BDV टेस्टिंग किट में रखने जा रहे हैं। BDV टेस्टिंग किट में इसको रखे 5 मिनट बाद फर्स्ट सैंपल सेटल भी हो जाएगा ना। BDV टेस्ट किट का रेट ऑफ राइज वोल्टेज 2 kV/s होता है। आपने देखा 90 इस वोल्टेज पे 90 kV पे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्क हुआ और इसका BDV टेस्ट रीडिंग आई 90 kV। इसी तरह एक सैंपल के हम 5 से 6 बार टेस्ट करते हैं, उनकी एवरेज रीडिंग जो होती है उस वैल्यू को हम BDV टेस्ट वैल्यू फाइनल मानते हैं।